नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, नियोजित शिक्षकों और जीविका दीदियों को नियमित करेंगे तेजस्वी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेता तेजी के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र के नारिदगंज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार आने पर नियोजित शिक्षकों और जीविका दीदियों का मानदेय नियमित कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का कृषि लोन माफ कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोजपा का सिंबल वापस देकर भाजपा में लौटी बेबी, चुनाव के बाद एमएलसी बनेगी। जी हां, आपको बता दें कि बोचाहा की विधायक और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने टिकट न मिलने से विरोध कर दिया। विरोध ऐसा कि उन्होंने भरे मीडिया के सामने रोना धोना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने सबके सामने ऐलान भी कर दिया था कि वे लोजपा से चुनाव लड़ेगी। लगातार भाजपा के विरोधी नेताओं को लोजपा से चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा शक्ति में आ गई है। ऐसे में भाजपा के नेताओं ने बेबी को मनाने की कवायद शुरू कर दी। दो दिन से लगातार हो रही कवायद के बाद बेबी को मना लिया गया है। भाजपा आला कमान ने प्रॉमिस किया है कि एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें राज्यपाल कोटे वाली एमएलसी की सीट दी जाएगी, फिर बेबी मान गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार गरीबी दूर नहीं कर पाई और ना ही पलायन रोक पाई। मोकामा की जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन और उनकी वर्षों की पुरानी मांग को हमारी सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। लोगों से सवाल करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आप चाहते हैं कि नहीं मोकामा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने। कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का युग चला गया है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि तीर का जमाना चला गया, अब तो मिसाइल का जमाना है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर और चौसा में आयोजित चुनावी सभा में युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। तकनीकी से रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने बिहार के चौतरफा विकास के लिए अनगिनत काम किए हैं, अब मौका मिला तो नई तकनीक पर जोर देंगे। हर जिले में संस्थान स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। बक्सर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी परशुराम चौधरी के पक्ष में वोट मांगने के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निधाना साधा। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर एक बार फिर से चुटकी लेते हुए कहा, पति अंदर गए तो पत्नी को बैठा दिया, पहले बिहार का क्या हाल था, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अपराध और नरसंहार का बोलबाला था। 2018 के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े को देखें तो बिहार 23वें नंबर पर नीचे चला गया है। कोरोना पीड़ित पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार का पटना एम्स में निधन हो गया। बिहार में पहली बार पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की मौत कोरोना से हुई है। विनोद कुमार को शनिवार की सुबह करीब 3 बजे एम्स में भर्ती किया गया था। वे डायबिटीज से पीड़ित भी थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रात 11 बजे उनकी मौत हो गई। 59 वर्षीय विनोद कुमार 20 अगस्त 2019 को पूर्णिया रेंज के आईजी बने थे। उन्होंने बिहार पुलिस सर्विस के तहत ज्वाइनिंग किया था। 2011 में आईपीएस बनाए गए, इन्हें आईपीएस का 2001 बैच मिला था। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को आईजी विनोद कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अजब गजब की चीज़ें यहां पर देखने को मिल रही है। जी हां, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बिहार में यह पप्पू यादव की पार्टी है, और पप्पू यादव ने दरभंगा के गौड़ा बैराम से 2 प्रत्याशियों को उतार दिया है। पप्पू यादव ने पहले अपने एक कार्यकर्ता विश्वंभर यादव को गौड़ा बैराम से सिंबल दे दिया। विश्वंभर यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने गौड़ा बैराम से ही डॉक्टर इजहर अहमद को भी टिकट दे दिया। डॉक्टर इजहर अहमद पहले भी विधायक रहे हैं। डॉक्टर इजहर अहमद ने भी उसी सिंबल से ही उसी सीट पर नामांकन कर दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों प्रत्याशियों ने एक ही सिंबल पर एक ही विधानसभा के लिए नामांकन किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यदि देखें तो दोनों प्रत्याशियों की पार्टी एक ही और दोनों प्रत्याशियों के एफिडेविट को भी स्वीकार कर लिया गया है।
स्वच्छता के संदेश को पटना वासियों के बीच पहुंचाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा ने पटना नगर निगम के साथ हाथ मिलाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए संजय मिश्रा को पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा पटना वासियों के बीच जाएंगे। रविवार को पटना पहुँचते ही उन्होंने पटना नगर निगम के अधिकारियों एवं पार्षद के साथ बैठक की और जागरूकता अभियान की रूपरेखा पर विस्तार चर्चा की। बॉलीवुड संजय मिश्रा म्यूजिकल वीडियो के माध्यम से जहां युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे, वहीं मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को भी साफ सफाई के महत्व के प्रति जागरूक भी करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरा जिले के धोबाहा में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि अगर आपका आशीर्वाद और प्यार मिला तो बिहार को एशिया का नंबर वन राज्य बनाएंगे। कोई माफिया राज नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी और 12 बजे रात को बिहार की बच्चियां बिना डर भय के घूमेगी। सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चुनावी मेंढक है। जब बिहार में बाढ़ व चमकी बुखार आता है तो ये कहां रहते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब मजदूर भूखे मर रहे थे तो सत्ता और विपक्ष कहां थे। आज यह सवाल आप लोगों को पूछने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को राज्य के एनडीए सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दे सके, ना ही 15 वर्षों में कोई कल कारखाना लगा सके। वे सूर्यगढ़ा के राजद प्रत्याशी प्रहलाद यादव, लखीसराय के कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस और जमुई में राजद प्रत्याशी विजय प्रकाश की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। वृद्धा पेंशन 400 से 1000 रुपए की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे में अफसरशाही से आम जनता त्रस्त है। जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। जंगल राज की बात करने वाले के कार्यालय में अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार की सच्चाई सामने आई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 1152 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 204,212 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,706 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 316 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो गई है और राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 990 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के भीतर 1,259 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर आपके साथ होने वाली धोखाधड़ी को लेकर है। जी हां, पटना में बस स्टैंड के पास सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपको झांसा में लेकर ऑटो और कैब ड्राइवर आपके साथ लूटपाट कर सकते हैं। कभी भी अनजान लोगों के साथ शेयरिंग कैब या ऑटो लेने की गलती कतई ना करें। पटना पुलिस ने मीठापुर बस स्टैंड के पास से यात्रियों को टारगेट कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में छपरा के 45 साल के बाकाडोम और सारण का रहने वाला 40 साल का दिनेश राम शामिल है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि मीठापुर के अलावा ये पटना जंक्शन के करबेगिया छोर से आने वाले यात्रियों को टारगेट करते हैं। बाकाडोम खुद यात्री बनकर परिसर में घूमता था और भोले भाले लोगों को शेयरिंग और भाड़ा कम के नाम पर स्कॉर्पियो में बैठाता था और शहर से निकलते ही लूटपाट करने के बाद गाड़ी से नीचे फेंक कर फरार हो जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के नेताओं को काफ़ी फजीहत हो रही है। जी हां, नीतीश के मंत्री हो या विधायक, उन्हें लगातार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां नीतीश सरकार के योजना विकास एवं उद्योग मंत्री महेश्वरी हाजरी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार करने निकले मंत्री जी को लोगों ने गंदी गंदी गाली देकर गाँव से खदेड़ दिया।
बिहार चुनाव नजदीक है और इस बीच पार्टियों में उलटफेर का काम लगातार जारी है। राजद के एक प्रत्याशी ने जाप का दामन क्या थामा, इसके तुरंत बाद रामविलास पासवान के करीबी और लोजपा के खास आरके चौधरी ने राजद का दामन थाम लिया। आरके चौधरी के राजद में चले जाने से एलजेपी को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट से लोजपा और रामविलास पासवान के करीबी रहे आरके चौधरी ने एलजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। गया से पटना जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खास खबर है। जी हां, 18 अक्टूबर से गया पटना रेलखंड पर दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस संबंध में हाजीपुर के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर से अगले आदेश तक दो जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 63255 पटना गया मेमू पैसेंजर ट्रेन पटना से शाम 6:30 खुलेगी और रात को 9:30 गया पहुंचेगी। वही गाड़ी संख्या 03212 गया पटना मेमू स्पेशल गया से 8:30 खुलकर 11:30 पटना पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 03353 पटना गया मेमू ट्रेन पटना से 8:00 खुलकर 11:00 गया पहुंचेगी और गाड़ी संख्या 03354 गया पटना मेमू स्पेशल ट्रेन गया से 6:15 शाम को खुलेगी और 9:15 रात में पटना पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद महागठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो भी वादे किए गए हैं उसे शब्दशः लागू किया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। देखना हो तो एक बार छत्तीसगढ़ जरूर जाएं। वहां किसानों से गोबर तक 2 रुपये किलो सरकार खरीदती है और हर किसान को सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। समर्थन मूल्य पर अनाज भी खरीदती है। 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपये माफ किया गया है। बिहार में तो अनाज की तय सरकारी कीमत भी नहीं मिलती है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।